ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ उपनिषद का सीधे पाठ करते हैं। सोऽयमात्माध्यक्षरम् ओंकारः अधिमात्रं पादा मात्र ಮಾತ್ರಶ್ಚ ಪಾದಃ ಅಕ
कार उकार मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकार प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति आदिश्च भवति यैवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसौकारो द्वितीया मात्रा कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति एवं वेद सुषुप्तस्थानप्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदगं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद य एवं वेद अमात्रः बारहवां मंत्र है उपनिषद का। अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवः अद्वैत एवम् अद्वैतः एवम् ओंकार आत्मा एव संविशति आत्मनात्मानम् एवं वेद अमात्रश्चतुर्थ अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोद्वैतः एवमोङ्कारात्मा एव
Sambhishatyatmanamatmanam Sambhishati Atmanatmanam Yayevam Veda Yayevam Veda Soyamatma Chatushpat Shruti Mata अपने अनुग्रह से तो ये उपदेश करती हैं। बिल्कुल पहली श्रुति ये है मांडुक्य उपनिषद की, ओमिति एतत् अक्षरम् अक्षरम् इदगम् सर्वम्। तो पहले ये श्रुति ने उपदेश किया, नाम लेकर के बताया कि यह जो नाम है समस्त इदंता का ये अर्थ है, इदगम सर्वम। और बाद में बोलती हैं कि यच्चान्यत् त्रिकालातीतम् तदपि ओंकारे वा। जो त्रिकालातीत वस्तु है हमने बोला था उसमें दो अर्थ लेने चाहिए, एक तो हाँ गुड अव्याकृत प्रपंच और एक निष्प्रपंच ब्रह्म। अब मैं आज नया शब्द दे रहा हूँ, एक है अव्याकृत प्रपंच और दूसरा साक्षात निष्प्रपंच ब्रह्मा। तो निष्प्रपंच ब्रह्म भी नाम का ही अर्थ है, ओंकार शब्द का ही अर्थ है, और अव्याकृत प्रपंच भी ओंकार शब्द का ही अर्थ है। और जो इदम के अंतर्गत जागृत और स्वप्न अवस्था प्राप्त हो रही है ना, बहिष्प्रज्ञ के रूप में और अंतःप्रज्ञ के रूप में, तो ये दोनों ही प्रपंच इदम शब्दवाच्य है, तीसरा नहीं। तीसरा किधर है? अव्याकृत प्रपंच, ठीक है। तो चूंकि वहां लिखा है भूतम भवत भविष्यत इति, इसलिए आप तीन अवस्थाएं बना लो, तो ये मत करना, ये गलती हो जाएगी। वहां भूतम भवत भविष्यत का अभिप्राय इतना ही है कि जो भूत में चला गया प्रपंच, अर्थ उसका प्रपंच ही है, जो भूत में चला गया वो प्रपंच, जो वर्तमान में है वो प्रपंच, और जो भविष्य में आने वाला है वो प्रपंच, तीनों प्रपंच ही इदम है और तीनों प्रपंच ही व्याकृत हैं, ये बोलना था, तीनों प्रपंच ही व्याकृत हैं। तो इदम शब्द में ये सर्व का ग्रहण हो जाता है। आगे जाकर के श्रुति ने कहा बहिष्प्रज्ञा और अंतःप्रज्ञा बस, लेकिन जो मकार है वो अव्याकृत प्रपंच का अर्थ है, नाम है, अर्थ नहीं नाम है।
तो अब व्याकृत प्रपंच का नाम है तो वह तो सोपानिक होकर के ईश्वर भी है, एष ही सर्वेश्वर इत्यादि। अच्छा, और जब वो निष्प्रपंच ब्रह्म होता है तो वो चौथी मात्रा है। ठीक हो गया। जो निष्प्रपंच ब्रह्म है वो फिर चतुष्पाद कहा ना, सोयमात्मा चतुष्पाद। तो अव्याकृत प्रपंच ही परमार्थ रूप से असल में निष्प्रपंच ब्रह्म है। तो ऐसी तो स्थिति है। अदृष्टम माने छह प्रज्ञाओं का प्रतिषेध करके अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, प्रपंचोपशमम अथवा एकात्म प्रत्ययसारम, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। तो छह प्रज्ञाओं का प्रतिषेध है इसमें, छह प्रज्ञाओं का, प्रज्ञा वालों का। ये जो छह प्रज्ञाओं का अभिमानी होगा, स्थानीय धर्म वाला होगा, तो वो छह में से किसी न किसी में होगा। अंतःप्रज्ञ माने अंतःप्रज्ञ का स्थानी। क्या बोला था उन्होंने, जागृत स्थान, ये बोला था ना। तो स्थान में स्थानी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि आखिर तो नाम क्या लिया अंत में, जागृत स्थान का परिचय कराते हुए। जरा मैं आज प्रयास करता हूँ कारिका में भगवान की कृपा से तो बढ़िया प्रवेश हो जाए। क्या नाम लिया, वैश्वानर, ये बोलना था। तो वो स्थान है कि स्थानीय है, आया पकड़ में आ गया। तो परिचय तो करा रहे थे जागृत स्थान सप्तांग इत्यादि का, लेकिन नाम लिया किसका, स्थानी का, ये पकड़ के रखना। इसी तरह से अंतःप्रज्ञ का जब परिचय कराया तो नाम लिया तेजस का, तो स्थानी हुआ ना। और इसी तरह से सुसुप्त स्थान में तो दो मंत्र दिए और बाद में क्या कहा, प्राज्ञ, ये स्थान है कि स्थानीय है ये। तो ये छह प्रज्ञाएं, प्रज्ञाओं का प्रतिशोध प्रतिषेध तो स्थानी के रूप में किया। और फिर अदृष्टम, अव्यवहार्यम इत्यादि का माने गति नहीं है शब्द की और प्रत्यय की दोनों की। फिर से बोल देता हूं, एक ऐसा तत्व है जिसमें शब्द और प्रत्यय दोनों की गति नहीं है। ये बोलते हैं ना, अलग पहले ही अदृष्टम बोल दिया, फिर अव्यवहार्यम, फिर अग्राह्यम, फिर अलक्षणम, फिर अचिंत्यम, फिर अव्यपदेश्यम, इतना बोला। तो ये तो लगता है कि अब तो ये शून्य हो गया। जहां शब्द और प्रत्यय की कोई गति नहीं है,
तो ऐसी वस्तु में कोई प्रमाण है कि नहीं, तो क्या बोल रहे हैं, एकात्म प्रत्यय। देखो उसके दोनों अर्थ किए ना, सारम माने तेन अनुसरणीयम और सारम माने प्रमाणम। ये अच्छा भाई, तो प्रपंचोपशमम लिखने की क्या जरूरत थी, जब छह छह प्रज्ञाओं का निषेध कर दिया तो फिर प्रपंचोपशमम के लिए क्या आवश्यकता थी। बोले नहीं, स्थानी तो निराकृता, चाहे अपने ढंग से लिख लो आप या समझ लो, स्थानी तो निराकृता किंतु स्थानम न निराकृतः। ठीक है ना, तो अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ ये तो स्थानी थे और फिर उनके विस्तार थे अपने अपने, लेकिन जो स्थान है वो क्या है, तो अवस्था त्रय में जो भासमान प्रपंच है, अवस्था त्रय बोल रहा हूं माने सुसुप्ति भी, अवस्था त्रय में जो भासमान प्रपंच है उसका उपशम हो गया। बना ये है, तो स्थानी का भी प्रतिषेध किया और स्थान का भी, प्रपंचोपशमम की आवश्यकता बहुत बड़ी थी, मैंने स्थानी का निषेध कर दो स्थान रह गया, ऐसा न हो जाए। तो प्रपंचोपशमः प्रपंचोपशमम यह जो शब्द है उसका अभिप्राय है स्थान धर्मों का भी निराकरण हो गया। तो स्थानी और स्थान दोनों का प्रतिषेध हो गया। तो फिर अवशिष्ट कहा, तो जिसके लिए कहा आत्म प्रत्यय सारम सैव अवशिष्ट, तो उसी प्रमाण से जो विज्ञायमान वस्तु है उस प्रमाण से जिसको आपको जानना है वह अवशिष्ट है। कैसा है वो, अब न स्थानी है न स्थान है, तो कैसा है वो, निरुपद्रव महाशांति। महा लगाओ चाहे न लगाओ, शांति माने क्या होता है, उपद्रव शून्य स्थिति, और ऐसा ऐसी उपद्रव शून्य स्थिति जो अभी है फिर थोड़ी देर में बिगड़ जाएगी, ऐसी नहीं, अभी है और पहले बिगड़ी हुई थी ऐसा भी नहीं, ऐसी उपद्रव शून्य शांति जो स्वरूप सिद्ध है स्थिति सिद्ध नहीं है। स्वरूप सिद्ध है अवस्था सिद्ध नहीं है, जो स्वरूप सिद्ध है साधना सिद्ध नहीं है। कठोपनिषद में आपने देखा होगा साध्य साधन विलक्षण, साध्य साधनात्मक जो स्थिति है वो अनित्य ही होती है, जो साधन से सिद्ध होने वाली स्थिति है वह कभी आत्यंतिक नहीं हो सकती। इसलिए कहा ना अन्यत्र धर्मात्
पढ़ लेना उसका भाष्य ठीक से। साध्य साधन से विलक्षण, इसलिए यहां जो शांत शब्द आया, शांतम शिवम, तो शांतम जो है ये स्वरूप सिद्ध है, अवस्था सिद्ध नहीं है, साधना सिद्ध नहीं है, स्थिति सिद्ध नहीं है। शांतम स्वरूपेण क्या अभिप्राय बनाएंगे? शांतम स्वरूपेण शिवम, शिवम शब्द का अभिप्राय शी धातु से ये बनता है, शी शेरते यस्मिन, जीव यात्रा करते 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 अंततः जिसमें जाके विश्राम प्राप्त करता है उस तत्व का नाम है शिव। फिर से बोलूं क्या? मैंने अनंत काल से अनादि मायया सुप्त, जोड़ लेना, अनंत काल से जीव पता नहीं देह से देहांतर में, स्थिति से स्थित्यंतर में, भाव से भावांतर में चलते भटकते चलते भटकते चल रहा है, लेकिन फिर जहां जाकर के वो आत्यंतिक विश्राम में अवस्थित होता है उस तत्व का नाम है, स्थिति का नाम नहीं, अवस्था का नाम नहीं, उस तत्व का नाम होता है शिव। शी धातु में वरज प्रत्यय लगा है तब ये शब्द बनता है शिवम। दोनों सोते हैं, हाँ, महाप्रलय में समूचा प्रपंच जिसमें जाके सो जाता है, यह है अव्याकृत ब्रह्म का वाचक। कौन है वो? कौन है? बोले वो भी शिव है, लेकिन जब वो स्वरूप सिद्ध होता है निष्प्रपंच होकर के, तो वो हुआ निष्प्रपंच शिव। तो आप अगर आपको सुविधा लगती है तो अलग अलग ही रखो, व्याकृत ब्रह्म और शिव ब्रह्म, ये कोई अंतर है नहीं। अविद्या काल में तो ऐसे ही है, अव्याकृत का तमाशा है ही है, अव्याकृत होगा और फिर कल्पादौ कल्प के आदि में फिर से व्याकृत होगा, तो उसको छोड़ देते हैं। शांतम शिवम अद्वैतम, ये भी एक अद्भुत संख्या है, वेदांत की विशेष है, और किसी दर्शन में यह उपलब्ध होता नहीं। अद्वैतम माने दो का दुगना करो, अद्वैत का दुगना करो, कितना होगा? एक का दुगना हो जाएगा, चमत्कृति है कि नहीं? एक का दुगना होगा, तिगुना होगा, सौ गुना होगा, लाख गुना होगा। इसलिए एकम शब्द तो प्रभु के व्यापकता को पेट में लेके बोला जाता है, एकम से अनेकम भी हो सकता है, इसलिए वो हमारा असली वाला पक्का वाला नहीं है।
पक्का वाला तो ये है कि अब करो इसका दुगना और अद्वैतम माने शून्यम होता है क्या? तो शून्यम ही बोलते, फिर अद्वैतम क्यों बोलते? देखो, अद्वैतम का मतलब है दूसरा नहीं है, ठीक है? हमारे गुरुदेव इसका अनुवाद करते थे, देखो बड़ी सावधानी है वहां भी, तो वो बोलते थे वन तो जरूर बोलते थे, फिर साथ में बोलते थे वन विदाउट सेकंड। तो अद्वैत शब्द बनाने के लिए ये शब्द बोलते थे वन। कोई ये न समझ ले कि वन से फिर अब आगे गाड़ी चल पड़ी, ना 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 ना, वन विदाउट सेकंड। लेकिन असली शब्द तो फिर से मैं बोलूंगा, क्या है? अद्वैतम, शांतम, शिवम, अद्वैतम। द्वितीयाद्वैत भयम भवति। अब ऐसा कहा है श्रुति में और लगाया भी जा सकता है। इसलिए अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। अब तीन के तीन से विलक्षण करके उसका उल्लेख हुआ है, इसलिए लोग मान लेते हैं कि ये चौथा है। मन्यन्ते लिखा है, चतुर्थम अस्ति ऐसा नहीं लिखा है, क्या बोला गया? चतुर्थम मन्यन्ते औपचारिकम इदम। ये चतुर्थ क्या है? ये एक औपचारिक संज्ञा है। तो असलियत क्या है? असलियत ये है तुरीयम त्रिशु संततम। श्रुति क्या वाक्य बोलती है? तुरीयम त्रिशु, त्रिशु माने अवस्था त्रयेषु। ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें तुरीय अविद्यमान हो। बना? तो नारायण चतुर्थम मन्यन्ते, इसमें इस शब्द को ग्रहण कर लेना कि स्थानी का भी प्रतिषेध है और स्थान का भी प्रतिषेध है। किस शब्द के द्वारा? प्रपंचोपशमम। अच्छा, तो अब आगे अवस्था त्रय का वर्णन कर दिया चार श्रुतियों में, और इसके बाद सातवें मंत्र में जो परमार्थ तत्व है जिसका अभी हम लोग उल्लेख कर रहे थे उसका भी वर्णन कर दिया। उसके बाद उसी का विवरण करने के लिए नौ कारिकाओं में खुलासा किया, ठीक है? पहले नौ कारिकाएं और बाद में नौ कारिकाएं, तो वो कारिकाएं भी प्रभु कृपा से पूरी हो गईं। तो अब श्रुति शुरू होती है, तो श्रुति में पांच मंत्र बचे हैं ना, फिर कुल मिला के 12 मंत्र है ना। तो अभी तक जो है अवस्था त्रय और फिर जो सातवां मंत्र है, ये अविधेय की प्रधानता से वर्णन हो रहा था। भाष्यकार कैसे लिखते हैं? सुषुप्त स्थान क्या बोलते हैं? देखो भाष्य, अविधेय प्रधानम शुरू हुआ ना, देखो बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, जितनी भी आपके पास है। बोलते हैं अविधेय प्रधान ओंकार, किसका वर्णन था?
बोले वो ओंकार का ही वर्णन था, वर्णन किसी और का नहीं था, ओंकार का ही वर्णन था, लेकिन अभिधेय की प्रधानता से। बस अभिधेय प्रधान है ओंकार है, और उसी के चार पादों का वर्णन किया गया, वो तो आपने देख लिया। तो चतुष्पाद आत्मा इति व्याख्यातः। तो अभिधेय प्रधान जो चतुष्पाद आत्मा है उसका व्याख्यान हो गया। किसका व्याख्यान हुआ? ओंकार का ही। ओंकार ही चतुष्पाद है, लेकिन उसकी अभिधेय की प्रधानता से व्याख्यान हुआ, बस इतना। क्या? हाँ, अभिधेय की प्रधानता से व्याख्यान हुआ। अच्छा, अब यह व्याख्यातः, यह ओंकार है, सह अयम आत्मा, वह यह जो आत्मा है, अब हम अभिधान की प्रधानता से उसकी फिर से व्याख्या करना चाहते हैं। सह अयम आत्मा अधि अक्षरम। अब अभिधेय नहीं रहा, क्या हुआ? अधि अक्षरम, अक्षर के अनुरोध से, अक्षर का संदर्भ लेकर के फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। अधि अक्षरम, अधि अक्षरम का क्या अर्थ है? बोले अक्षरम अधिकृत्य। क्या मतलब है? पादम अधिकृत्य नहीं, पकड़ना। पहले तो चर्चा किसकी हो रही थी? पादम अधिकृत्य, लेकिन अब क्या होगी? अक्षरम अधिकृत्य। ये अक्षरम अधिकृत्य क्या मतलब है? अभिधान, बहुत ध्यान से, अभिधान प्राधान्येन। अब जो व्याख्यान होगा वो अभिधान की प्रधानता से होगा। अभिधान प्राधान्येन वर्ण्यमानः अधि अक्षरम। तो अभिधान की प्रधानता से अब उसी आत्मा का तो वर्णन होगा, व्याख्यान होगा। तो अक्षर क्या है वो? किम पुनः तदक्षरमिति। वो अक्षर क्या है? बोलते हैं आह, बताता हूं। क्या है? ओंकार। सोयम ओंकार, वह जो ओंकार है कैसा है? पादसह प्रविभज्यमानः। पाद पाद के रूप में तो उसका विभाग कर दिया गया, ठीक है, लेकिन अब बदल रहे हैं। अब अधिमात्रम, अधिमात्र माने मात्राम अधिकृत्य वर्तते इति अधिमात्रम। अब मात्रा का आलंबन लेकर के जो उसकी स्थिति है, आलंबन, हाँ, मात्रा का आलंबन लेकर के जो उसकी स्थिति है उसका निरूपण करने जा रहे हैं। कथम, कैसे? तो आत्मनो ये पादाः। कारण ये है कि श्रुति की दृष्टि में ये बात हमको समझनी है कि श्रुति की दृष्टि क्या है। श्रुति की दृष्टि में आत्मा के जो पाद हैं वही ओंकार की मात्राएं हैं। ये देखो ये पंक्ति कितनी खूबसूरत। आत्मनो ये पादाः ते ओंकारस्य मात्राः। अच्छा, तो ओंकार की मात्राएं क्या हैं? तो बोलते कास्ता, कौन है वो मात्राएं? तो बोलते हैं अकार, अब तो हो गया, अकार उकार मकार इति।
बस तो ये आठवीं श्रुति आई। सात मंत्र हो गए थे, उनकी कारिका हो गई थी, तो आठवीं श्रुति में केवल विषय की सूचना दी उन्होंने कि प्रणव की मात्राओं की प्रधानता से उसी आत्मा का अब व्याख्यान होने जा रहा है। हो गया? वाह, नहीं तो सन्नाटा नहीं रखना भाई। मैं क्या बोलता हूँ, 0/0। हासिल कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, तो नारायण इसमें मैं सोच रहा था कि अर्थ को किस तरह से थोड़ा समझने लायक बनाया जाए, तो मन में ये भाव निश्चित हुआ कि पहले आप 12वीं कारिका पढ़ो। 12वीं श्रुति पढ़ो, फिर हम आ जाते हैं 9, 10, 11 पे। पहले 12वीं आपके ग्रंथ में, अगर तो हमारी वाली है किताब, तो जो भी है, नहीं तो आप खोज लेना, 12वीं श्रुति मिल गया। अच्छा, तो उसकी अब आखिरी पंक्ति हम समझते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। इसको जब ग्रंथ को लगाने लगते हैं ना, खोलते हैं, आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। देखो क्या लिखा है, मंद मध्यम मिला ऊपर से, भी नीचे से तीसरी होगी हमारे में, तो आप देख लेना, मिला आप लोगों को मिला। मंद मध्यम धियाम माने जो तो तत्व का बिल्कुल उत्तम से उत्तम अधिकारी है, तो उसको ये आलंबन की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो वो सीधे तीनों पाद का विश्लेषण करते हुए जब सातवां मंत्र आएगा तो शांतम शिवम अद्वैतम में सीधे प्रवेश करने में समर्थ है। लेकिन ऐसे लोग कितने हैं, तो मंद ऐसे बोल दिया महाराज, आप नाराज हो तो हो। हाँ, मैंने हमारी जो औकात है उसके अनुसार ही रहना चाहिए। तो बोलते हैं मंद मध्यम धियाम तु, कोई लोग तो बहुत मंद हैं इस मार्ग में, और मार्ग में तीक्ष्ण होंगे, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, और मार्गों में वो तीक्ष्ण होंगे, लेकिन इस मार्ग में तो दूसरे तरह की योग्यता चाहिए। इस मार्ग में तो बस ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहितः, न शांत मानसो अभी प्रज्ञाने नैनम आपनियात, ये अधिकार चाहिए, और अधिकार MBA नहीं, PhD और MPhil और पता नहीं क्या क्या, वो उससे कुछ मतलब नहीं है इसका। हो सकता है इसके लिए कबीर चाहिए,
अब वो कितना पढ़े थे मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ाई का कोई तिरस्कार करने का मेरा कोई भाव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था मसी कागज छुयो नहीं, मैंने स्याही और कागज छुआ ही नहीं, मसी कागज छुयो नहीं और कलम बोले तो हाथ में ही नहीं आई, मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ। तो ऐसी हालत थी उनकी। तो लेकिन अधिकार संपदा इतनी है महाराज, तो ऐसा हुआ कि गंगा जी में, गंगा जी जो कठौता में गंगा, अच्छा तो अधिकार बहुत चाहिए। यहां बोलते हैं जो उत्तम अधिकारी नहीं है और लेकिन रास्ते पर है, रास्ते पर है का मतलब है बेरास्ते नहीं है, कम से कम माने विपरीत रास्ते पर नहीं है। मंद मध्यम धियाम, कोई लोग मंद हैं और कोई मध्यम बुद्धि के भी हैं, समाज में तो उनको महातेजस्वी माना जाएगा अगर कोई मध्यम हो तो। तो मंद मध्यम ध्यान तो प्रतिपन्न साधक भावानाम, अब देखना ये बहुत बड़ी बात कही है, साधक भाव को प्राप्त हो गए हैं अपने हृदय में, सोच लेना क्या मैं भी हूं, क्या मैं भी साधक भाव को प्राप्त हो गया हूं। मंद मध्यम ध्याम प्रतिपन्न साधक साधक भावानाम, कौन है वो, सन्मार्ग गामी नाम। महाराज ये पूरा ग्रंथ जब हम पढ़ने लग जाते हैं उसमें थोड़ी देर भी हो जाती, लेकिन छोड़ नहीं सकते उसके बिना जब तक ग्रंथ थोड़ा हाथ में ना आ जाए। नहीं तो यहाँ आके सीधे सीधे क्रम से ही चलते फिर। मंद मध्यम ध्याम तू प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्ग गामी नाम, ये कौन लोग हैं, बोलते हैं जो सन्मार्ग पे चलते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, इतनी बात उनके हृदय में तो साधक भाव है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन मैं सन्मार्ग गामी हूं ऐसा बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हर्ज है, थोड़ा सा हर्ज है। गुरुदेव ने कहीं लिखा मैंने पढ़ा, बोले ह्यूमिलिटी इज ए वर्च्यू द मोमेंट यू नो यू लॉस्ट इट। ठीक है। विनम्रता एक ऐसा गुण है कि जिस क्षण आपने इस बात को जाना यू लॉस्ट इट, क्योंकि मैं विनयी हूं। यह अभिमान ही तो विनम्रता का विरोधी है। हमारे गुरुदेव की ये मोती है, आप देखो इसको, क्यों इसमें कोई दिक्कत है, इस इंग्लिश में कोई दिक्कत है। ह्यूमिलिटी इज ए वर्च्यू द मोमेंट, इसलिए मैंने कहा सन्मार्ग गामी नाम, ये कहना इतना आसान है नहीं है, थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। अच्छा, सन्मार्ग गामी नाम, हमारे सूरदास जी तुलसीदास जी तो ऐसे अपने को सन्मार्गी भी नहीं बोलते, क्या क्या बोलते हैं, मौसम, अरे राम राम। अब अगर वो लोग ऐसे हैं
तो फिर अपने बारे में हम लोग क्या करें? नहीं, हम लोग को तुर्रम खानी है। तो खान साहब ठीक है फिर। इसलिए हमने जानबूझ के खान शब्द बोला है। नारायण, अच्छा बोलते हैं तो सन्मार्ग गामिनाम सन्यासिनाम, माने ऐसे हैं जो सन्यास वृत्ति से युक्त हो गए हैं। कम से कम इतनी बात तो यहां मैं कहूंगा ही। कैसे है न कर्मणा न प्रजया बोलते हो ना तुम लोग, फिर आगे न धने न क्यों बोलते हो? त्यागे नहीं कर, लोग समझते होंगे हमारे हमारे संग्रह का दुश्मन है ये। संन्यास योगात, संन्यास योगात है? हाँ, तो ये संन्यास योग जब तक न लगे तब तक विशुद्ध सत्वाह होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहे जितना सिर पकड़ लो, पटक लो, क्योंकि ये तो सहज है साधक भाव में। चीजें, चीजों में कम से कम महत्व बुद्धि का संन्यास तो होता ही जाता है, और धीरे धीरे फिर महत्व बुद्धि का संन्यास होगा तो और चीजों का भी संन्यास होगा। हाँ, इसलिए ये बिल्कुल पक्का है संन्यासी नाम। इस शब्द को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर देना है किसी को तो खुश रहे, उसमें क्या है, हमें कुछ उस विषय में कुछ बोलना नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि सच यही है। अच्छा भाई, मंद मध्यम ध्यान तू प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्ग गामिनाम, फिर आगे लिखा मां सन्यासी नाम। अब बोलते हैं पकड़ना, मात्राणाम पादानाम च क्लृप्त सामान्य विदाम। क्या बढ़िया वाक्य है, मात्राणाम पादानाम च। मात्रा और पाद, पाद तो आपको समझ में आया होगा, प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद, तो पादानाम और मात्रा नाम अब पढ़ लिया आपने, अकार उकार मकार थी। ये दोनों कैसे हैं? बिल्कुल क्लृप्त हैं, माने एक ही भूत हैं। क्लृप्त शब्द का अर्थ क्या करेंगे? एक ही भूत हैं, बस इतना विभाग इसमें रहता है साधन काल में, इतना विभाग रहता है कि हम जब घट का नाम लेते हैं तो जो घट अर्थ है वो इदम घट, ये घट है तो ऐसा बोलते हैं, तो वो बहिर्देश में है और नाम कहाँ है? मुंह में है, है ना? तो नाम और नामी में देश का विभाग है, काल का विभाग है। जब विभाग युक्त जब दोनों होते हैं, विभाग युक्त, हाँ अलग अलग, तो उस समय ये व्यवस्था है, नामाधीन नामी और ज्ञानाधीन नाम की नामी की अर्थक क्रिया कारिता, यही ना। लेकिन ये तब दोनों विभाग बने रहते हैं, ये लेना पड़ेगा। तब लेकिन दोनों विभाग हैं, लेकिन एक कोई समय आता है जब इस विभाग का लोप होता है, हम बताएंगे।
आपको अभी इस पर चलिए। तो बोलते हैं क्लुप्त सामान्य विधान, जब दोनों का बिल्कुल सामान्य कोई समझ ले, एक ही भाव समझ ले, अभिधेय और अभिधान दोनों को बिल्कुल उसके एकत्व को कोई समझ ले तो यथावत समझ ले और फिर उसकी उपासना करे। यथावत उपास्यमानम, जैसी उपासना होनी चाहिए वैसी अगर उपासना कोई करे तो ओंकार, फिर ओंकार क्या करता है ध्यान रहे, तो ओंकार यह जो प्रणव है, यह जो ओंकार है क्या करेगा वो, ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्तये आलंबनो भवति। ब्रह्म के बोध में अत्यंत समर्थ आलंबन सिद्ध होता है। ये देखो ब्रह्म प्रतिपत्तये, ये लगाना है, ये ब्रह्म प्रति माने है, वहां पर यकार का लोप है, असंधि है, हाँ एचो जवा वो वाला सूत्र है, ठीक है। तो यकारस्य अत्र लोपः, लोपः माने अब इन लोगों को तो नहीं आएगा, लोपः माने अदर्शनम लोपः, लोप का लक्षण किया है, केवल दर्शन वहां नहीं हो रहा है लेकिन वो वहीं पर है, इसको बोलते हैं लोप। तो प्रतिपत्तये, तो ब्रह्म प्रतिपत्तये आलंबनो भवति, एक बिल्कुल समर्थ आलंबन होता है। कठोपनिषद में आपने पढ़ा एतद् हि आलंबनम श्रेष्ठम, देखो यहां तो भाष्य में दृढ़ कर दिया गया, ब्रह्म प्रतिपत्तये आलंबनो भवति तथा च वक्ष्यति, आगे श्रुति ही बोलेगी आश्रमास्त्रविधा हीनम, हीनम माने थोड़ा मंद अधिकारी इत्यादि, सन्यासी है ऐसा भी अर्थ होता है, किसी आश्रम से रहित होकर के तो कौन बनेगा वो, सन्यासी बोलेगा ना। अच्छा तो अभी लेकिन ऊपर की ही पंक्ति ध्यान में रखना चाहिए, कहना ये है भाष्य का कि प्रणव एक समर्थ आलंबन बन जाता है ब्रह्मज्ञान में, किसके लिए, तो थोड़ी शर्तें लगा दी, जो भले ही थोड़ा मंद हो या मध्यम हो लेकिन साधक भाव में स्थित है और सन्मार्ग गामी है और सन्यास वृत्ति से उपहित हो चुका है, सन्यास अपेत नहीं है बल्कि, अब हम थोड़ा सा संस्कृत बोल गए, सन्यास अपेत, देखो एक शब्द में गड़बड़ हो जाती है, सन्यास अपेत नहीं है बल्कि सन्यास उपेत है, हाँ तो सन्यासी नाम। फिर बोलते हैं ऐसे महात्माओं के लिए जो अविधेय और अविधान की एकता को ठीक ठीक समझते हैं, विदाम ये लिखा, जो अविधान और अविधेय की एकता को ठीक ठीक समझते हैं और केवल समझते नहीं है, यथावत देखो ना क्या लिखा, यथावत उपास्यमानम, ठीक से इसकी उपासना की जाए, उपासना की जाए माने प्रणव का उच्चारण हो और जो उसके अर्थ में जो
पादत्रय हैं, बल्कि चारों पाद हैं, उनका स्फुरण हो। नाम मुंह में लिया जाए और अर्थ स्फुरण चारों पादों का हो, और चारों पादों को अगर समझा हुआ हो तो चारों पादों का अर्थ स्फुरण किस रूप में होगा, किस रूप में होगा कि केवल तुरीय ही अधिष्ठान सत्य है और जोनों तीनों जो पाद हैं वो बिल्कुल अध्यास रूप हैं, मिथ्या है। ये नहीं कि चारों खड़े हैं, ऐसा न कर लेना। प्रणव का उच्चारण हो, चतुर्थ पाद अबाधित सत्य है तुरीय, और तीन पाद केवल अध्यारोप अध्यसित है, मिथ्या है ही नहीं, इस अर्थ का भी स्फुरण होगा। क्लुप्त सामान्य विदाम, बिल्कुल एकता को जो जानने वाला है वो उच्चारण तो प्रणव का करेगा और मूल अर्थ अबाधित अर्थ का स्फुरण होगा, और त्रिपाद का क्या होगा, त्रिपाद मिथ्या सिद्ध होते रहेंगे, बाधित होते जाएंगे, बस ऐसा। उपास्यमानम, ऐसी जो उपासना करे प्रणव का उच्चारण और उच्चारण द्वारा, हाँ, चतुर्थ पाद का अधिगम और त्रिपाद के मिथ्यात्व की सिद्धि, एक साथ होती जाए। मानो महात्मा बैठा है सुबह से और ये शुरू हुआ, तो एक एक प्रणवोच्चारण में ये आवृत्ति होती जाती है, यही इसी को उपासना बोलते हैं। चतुर्थ पाद अबाधित है यह सिद्ध हुआ, और त्रिपाद अध्यारोपित है यह सिद्ध हुआ, और होता रहता है। इसको क्या बोलेंगे, ब्रह्माभ्यास। यही तो तत्व का अभ्यास हुआ ना, लेकिन निरालंब नहीं, निरालंब कोई कर ही नहीं सकता। निरालंब वाला कोई है तो सातवें मंत्र का सर्वोत्तम अधिकारी है। यहां तो अधिकारी कौन है, है तो सन्मार्गी, लेकिन मंद मध्यम ध्यान। अरे बोले महाराज, आपने पहले ही मंद और मध्यम कह दिया। बोले नहीं, प्रतिपन्न साधक भावाना, साधक भाव प्राप्त हो गया उसको और सन्मार्गी है, और अब अगले शब्द से डरना नहीं, सन्मार्गी है और अगला शब्द है सन्यासी नाम, सन्यास वृत्ति से युक्त हो गया है, ठीक है। तो नेचरली लोभ वृत्ति से है? क्या लोभ वृत्ति से वियुक्त हो गया है, जांचते रहना, क्योंकि ये कहां से बगल से पकड़ लेती है वो बड़ा मुश्किल है। कबीर को लगा एक दिन कि ये बहुत ठगनी है, इतनी आसानी से जाती नहीं माया। अरे राम राम, आगे से छोड़ देती है, पीछे से पकड़ लेती है ऐसा हो जाता है। कोई डराने के लिए नहीं बोलता है, आगे बढ़ने के लिए, सजग रहने के लिए बोलता है। आदमी सावधान रहे आगे बढ़े, सावधान रहे आगे बढ़े, इसके लिए। तो ऐसा अगर प्रणवाभ्यास होवे
ये शब्द पकड़ में आ गया ना, ऐसा यदि प्रणव अभ्यास होवे, अबाधित का अधिगम होता हो जाए, उसका अभ्यास दृढ़ होता जाए, और जो बाध्यमान तीनों पाद हैं वो अध्यास मात्र हैं, यह बात अधिक से अधिक खिलती चली जाए, तो निशेष मोक्ष है। हाँ बोला तो था, निशेष मोक्ष है। तुम लोग नहीं, चलो कोई नहीं। निशेष मोक्ष सतिवासनानाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य हो जाए, यह अभ्यास कराने के लिए ही अविधान प्रधान प्रणव की व्याख्या करने जा रहे हैं। हो गया ये, जिसको जितना पकड़ में आया भगवान के अनुग्रह से, लेकिन बस इसको पकड़ लेना, ये बार बार पढ़ लेना। भाष्य की ये जो दो तीन पंक्तियां हैं, बाकी तो बस उसका एकत्व सिद्ध करने के लिए श्रुति बोलती है। अब जो उपक्रम है वो क्या है, एकत्व की सिद्धि कराना चाहती है। 9 बज गया तो हम समझते हैं कि अगर 12वें मंत्र का ही आखिरी कार्य क्या मंत्र पढ़ लिया गया, क्यों तो ग्रंथ पूरा हो गया नहीं भाई, और क्या पढ़ा जाए, 13वां मंत्र थोड़े पढ़ेंगे, वो तो है ही नहीं। चलो पाठ कर देते हैं। आप लोग जो हैं बहुत कुटिल मुस्कान से मुस्करा रहे हो, नहीं ब्रह्मचारी बेचारे नहीं हैं, लो जी अनेक कितने साधना शिविर इस पे कराओगे, क्यों और एक नहीं ना, हो गया ना, क्या बोल रहा है सुनाई नहीं पड़ा, नहीं वैतथ्य प्रकरण नहीं लेने वाला, केवल आगम प्रकरण। वैतथ्य प्रकरण में तो मैंने काफी धुलड्डी वाली होली है तो वो नहीं। अच्छा चलो पढ़ते हैं इसको। जागृत स्थानो वैश्वानरो कार प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति हवै सर्वान्, आप्नोति हवै सर्वान् कामान्, आदिश्च भवति यैवं वेद। भैया ये बड़ी बहुत बड़ी फलश्रुति है, वो तुम्हें बोली दूं, क्योंकि कई लोग फलश्रुति पढ़ने से बड़े उत्प्रेरित हो जाते हैं। लिखा है अगर प्रथम पाद की प्रधानता से कोई उपासना करे, अविधेय और एक अविधान की एकता बना के प्रथम पाद की उपासना करे ठीक से, तो समस्त कामनाएं उसको प्राप्त हो जाएंगी। जय महादेव। और इतना ही नहीं, आदिश्च भवती, आदिश्च भवती माने दुनिया में वो प्रथम हो जाता है, उसके आगे कोई रह नहीं पाता। बोले हाँ ये तो ठीक है, फिर साधना शुरू करेंगे। हाँ तो चाहे जैसे शुरू करा जाए, करो तो सही।
अब दूसरा स्वप्नस्थानस्तैजसौकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वात् उत्कर्षति हवै ज्ञानसंततिम् समानस्य भवति नास्य ब्रह्मा वित्कुले भवति नास्य ब्रह्म वित्कुले भवति एवं वेद तो द्वितीय मात्रा का अगर ठीक से अविधान अविधेय का एकत्व जान करके जो उपासना करता है फलश्रुति क्या है बोलते हैं उत्कर्षति उत्कर्ष को प्राप्त करता है और उसकी जो ज्ञान परंपरा है उनमें अतिशय उत्कर्ष होता है। ये देखो उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम। एक और घटना बढ़िया घटती है कि वह मित्र और शत्रु दोनों पक्ष में समान प्रिय होता है। समानस्य भवति ये क्योंकि बीच वाला है ना अकार और मकार के बीच वाला है इसलिए उसका फल उसको उपासना के बाद ये मिलता है कि शत्रु मित्र पक्ष दोनों ही उसको चाहते हैं। समानस्य भवति ये नारायण भाष्य देखेंगे समान तुल्यश्च मिला क्या समान तुल्यश्च मित्र पक्षस्य इव जैसा मित्र पक्ष में है वैसा ही शत्रु पक्षाणाम अप्रद्वेष्यो भवति उसके प्रति किसी का द्वेष नहीं होता। अगर वो उकार की प्रधानता से प्रणव की उपासना करता हो तो फलश्रुति हो गई बढ़िया। अच्छा इतना ही नहीं ये श्रुति माता बोल रही है सीधे सीधे न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति इसके कुल में इसके शिष्य परंपरा में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। ऐसा बढ़िया पढ़ाएगा तो आप ब्रह्मविद कैसे होगा ये भी तो देखना है ना। न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति या एवं वेद वेद माने उपासना। अब तीसरा सुषुप्त स्थान प्राज्ञो मकार तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवा इदगम सर्वम् अपीतिश्च भवति एवं वेद। देखो तो तृतीय मात्रा है सुसुप्त स्थान है। अच्छा इसका क्या स्वरूप है और फल क्या है बोलते हैं तो वहां आया है आपने देखा सुसुप्ति तो लय स्थान है लेकिन एक शब्द है चेतोमुख। चेतोमुख का क्या अभिप्राय है जागृत स्वप्न प्रपंच जैसे उसी में प्रविष्ट कर जाता है और निकलता कहां से है उसी में से निकलता है वो द्वारवत है। हैं सुषुप्ति के लिए एक शब्द दिया गया श्रुति में
द्वारीभूतः, तो मानो कि वो जागृत स्वप्न को अपने भीतर समा के नाप लेता है, फिर बाहर करता है, कहता है 1 किलो है, ठीक है। मिनोति, मिनोति माने नापता है, आया मिला। मात्रा मिते है अपि तेरवा, दो लक्षण है सुसुप्ति में, लय स्थान है और मानव की जागृत स्वप्न को नाप लेता है, नाप के बाहर करके बता देता है ये चीज इतनी है, जागृत और स्वप्न इतनी ही है। किसने नापा, नापा किसने, सुसुप्ति ने। देखो तो इसकी फलश्रुति भी वैसे ही होगी, बोलते हैं मिनोति हवा इदगम सर्वम, जो जो इदम है वो सबको मानव की मकार का उपासना करने वाला नाप लेता है, ये फलश्रुति है। मिनोति हवा इदगम सर्वम, अच्छा, और लय स्थान बनता है सर्व प्रपंच का। अपीतिश्च, अपीति माने लय स्थान, अपीतिश्च भवति यह एवं वेद, जो ऐसी उपासना करता है वो। तो फलश्रुति तो बहुत जोरदार है। अच्छा अब हम 12वीं पे आए गए, ऐसा है पूरा करने को तो फिर हम समास भी कर सकते हैं, व्यास भी कर सकते हैं। देखो जरा, अमात्र आ गया ना आपका चतुर्थ पाद, जो वहां पे लिखा था अलक्षणम आया था ना, ये अमात्र का है मामला, बिल्कुल अमात्र वैसा ही है जैसे आपका 7वें मंत्र का पाद, वो पाद है और ये देखते हैं अमात्रश्चतुर्थः। अब देखो साफ कह दिया, जो अमात्र है वही तो चतुर्थ है, माने तुरीय का बिल्कुल शुद्ध अभिव्यंजक, वाचक नहीं कह रहा हूं, क्या अभिव्यंजक, अमात्र अमात्र चतुर्थ कैसा है वो, बस वही लक्षण है उसके जो तुरीय के हैं, वैसा का वैसा ही ये है अमात्र अव्यवहार्य। प्रपंचोपशम माने स्थान का भी इसमें प्रतिषेध हो गया है, और फिर स्थिति क्या बनी, शिव अद्वैत एवं, इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है उस महापुरुष को एवं ओंकार आत्मा एव, हो गया ना एकत्व पक्का, एवं ओंकार आत्मा एव संविशति, फिर वह प्रवेश कर जाता है, संविशति आत्मना आत्मानम, स्वयं के द्वारा स्वयं में प्रवेश करता है, कहीं और नहीं, किसी लोक में उसकी गति नहीं है, क्या है, स्वयं में स्वयं के द्वारा प्रवेश कर जाता है। संविशति आत्मना आत्मानम यह एवं वेद, तो उसके लिए ही अंतिम पंक्ति बोली गई थी कि इस प्रकार से जो लोग उपासना करते हैं, आखिरी पंक्ति दोहराता हूं भाष्य की, ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्तये आलंबनो भवती,
बस तो उपासना के द्वारा भी अंततः साधन का मार्ग खुलता है और अंततः एकत्व में स्वरूप में प्रवेश हो जाता है। ओम ओम तत्सत। कहने को और बहुत चीजें हैं लेकिन इदानीम उपरामता लेता हूँ। ओम तत्सत। न तो स भगवान, भगवान के बारे में बोलते हैं, आनंदगिरि जी ने बोला जब वाक्य भाष्य लिखा ना भाष्यकार ने, तो टीकाकार ने लिखा न तो स भगवान भाष्यकार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थोड़ा चेंज मैं मानता हूँ होना चाहिए, तो गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम पहले करेंगे बाद में, तो जो लोग चाहे तो अपने कमरे में जा के आ जाएं लोग, और फिर जो लोग यहाँ उपस्थित होंगे फिर पादुका पूजा होगी। तो इसके लिए एक तरफ विशारद और एक तरफ गंगेश, दोनों लोग बैठ जाएंगे तो इधर वाले लोग इधर से गुरुदक्षिणा देते हुए निकल जाएं। आसन बिछा बेटो, और इधर वाले इधर से गुरुदक्षिणा देते हुए निकल जाएं तो काम जल्दी हो जाएगा, है ना। आसन है। अच्छा आप लोग पंक्तिबद्ध हो जाएं तो आसान होगा।